घटना संधना थाना इलाके की है। यहां सहोली गांव के बाहर स्थित तालाब के किनारे युवती का नग्न अवस्था में शव मिला है। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। हालांकि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है और सोशल मीडिया के जरिए युवती की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने रेप के बाद हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। आज लगभग 8 बजे थाना सदना पे टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि एक सहोली ग्राम पंचायत की एक बाग है जिसमें यूकलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं, उसमें की युवती का शव पड़ा हुआ है। मौके पर हमारे एसएचओ संधना नैमिसारण मिश्रित, सीओ मिश्रित, मैं स्वयं, हमारे एसएसपी महोदय, स्वर्ण सरनाथ की टीम और स्कूल मौके पर गए थे। वहां जानकारी ये हुई कि ये क्षेत्र गांव से लगभग 10 फरलांग की दूरी पर है और वहां पर एक युवती का शव पड़ा हुआ है जिसके गले कटने के निशान है। वो मौके पर ही उसका गला काट के हत्या कर दी गई थी। प्रथम दृष्टया जो हमारी महिला कांस्टेबल ने फॉरेंसिक टीम लोगों ने चेक किया, युवती के साथ कोई बलात्कार जैसी घटना नहीं घटित हुई थी और युवती की एज लगभग 22 से 25 साल के बीच में है। घटनास्थल के इंस्ट्रक्शन और युवती के डेड बॉडी आदि देखने से यह जानकारी प्रतीत हो रही है कि ये लग रहा कि ये किसी अपने पुरुष दोस्त के साथ कहीं निकली थी और किसी बात पर विवाद होने या किसी बात का शक होने पर इसके पुरुष दोस्त ने विश्वास बनाकर इसकी हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गया है। इस युवती की पहचान न होने पाई इसलिए इसके जो कपड़े थे ऊपर के वो निकाल दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर के गारमेंट सारे इसके यथावत मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने बुलवाया था पहचान के लिए। लग रहा कि लड़की कहीं बाहर की है, लड़का आसपास किसी गांव का ही है, प्रेम जाल में फंसा के इसको कहीं से ले आया था। ये किसी विवाद या किसी शक होने पर इससे घटनाएं कारित की है। हमारी सरनाश की टीम, स्वाट की टीम मौके पर लगी हुई है। हमारे सीओ साहब देख रहे हैं, मैं खुद स्वयं देख रहा हूं। अतिशीघ्र इस बॉडी की पहचान करा घटना को वर्कआउट करेंगे और उसकी कार्रवाई करके जेल में। कुछ सर शव के आसपास साक्ष्य मिले हैं, शराब की बोतलें जैसे? हाँ, चूंकि हम सभी लोग लगातार 2-3 घंटे मौके पर रहे हैं, हमारे एसएसपी महोदय मौके पर रहे हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पर रही है और हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से महिला कांस्टेबल के माध्यम से उसका इंस्पेक्शन करवाया है। वो लड़की बेसिकली गांव की नहीं है, कामकाजी है तो शहर की, बट उसके मुठ्ठे वगैरह उसमें काफी निशान बने हैं, लग रहा कि कहीं बटन वगैरह साफ करती है। और हमने पहले बताया आपको कि चूंकि ये किसी अपने बॉयफ्रेंड द्वारा छली गई है, या तो उसको इसके चरित्र पे शक हो गया और कहीं बाहर से उसको लेकर के आया, इसकी हत्या करके फरार हो गया यहाँ पे, और या शादी करने की जिद कर रही होगी उसके साथ, उसने ऐसी घटना कारित की है।